देख रहे हैं सर सोनू एम के यूट्यूब चैनल्स, और आज मैं आपके लिए लाया हूँ पंखे का बैरिंग कैसा लगा। जैसे हमने नया बैरिंग लगा चुके हैं और इसका जो पुराना बैरिंग वो हम निकाल कर हटा दिए। इसमें देखिए ये पुराना था, इसमें जंग लग गया है, तो ये बैरिंग बहुत महंगा नहीं आ रही है। और इसका जो बूस जो होता है और छर्रा जो होता है, ये जो दोनों कट जाता है, इसके लिए आप ग्रीस लगा कर बनाना, इसको बंद कर दें और मार्केट से 30 रुपये 40 रुपये 50 रुपये की बढ़िया बैरिंग लाए और उसको लगाए। इससे पंखे की लाइफ और इसके जो धुरने की जो लाइफ है वो दोनों बनी रहेगी और आपकी कंडेंसर वसर कॉइल भी नहीं जलेगा, ठीक है। इसको और साफ तेल से साफ करने पर सही हो जाता है, लेकिन उतना अच्छा काम नहीं करता है। निकालने के लिए यहाँ से ठोका गया, निकल गया। अगर वैसे नहीं हो रहा है तो हमारे पास दो पुलर हैं, इस पुलर की सहायता से हम लगा सकते हैं। इसमें ये आप इसमें लगाएंगे और ये पत्ती यहाँ से इस फाक में डालेंगे आप, और डायरेक्ट कस करके इसे जब घुमाएंगे आप तो इसे ऊपर से चापते में निकल जाता है। अगर इस धूरे पर बैरिंग फंस जाते हैं यहाँ पर, तो उसके लिए ये चीज़ है, ये बैरिंग में ऐसे फटा फिटिंग करके ये घाट में बैरिंग, और इसे कसने पर ऊपर खींच के आ जाता है, ठीक है। फिलहाल जो मैं पंखा लाया हूँ ये बहुत ही पुराना मॉडल पंखा है, और इसमें ऐसी टेक्निक ये है, इसकी जो डायग्राम से ऐसे हैं, ये बूस्ट पे सिस्टम है, ये एक सिस्टम जो है बूस्ट पे है और दूसरी सिस्टम जो है बैरिंग पे है। ऐसे ये सीटिंग रहेगा और इस पार्टीशन को इसमें लगा दिया जाएगा, इसके उपरांत ये पड़ जाएगा इसमें, और फिर ऐसे इसको फिटिंग कर दिया जाएगा। उसके बाद ये आपका कैप लग जाएगा, इस तरह इसको फिटिंग करनी है। उम्मीद है वीडियो से तो कुछ लोग